गाजियाबाद के इंदिरापुरम से पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस और यूपी पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडरी थाने में मामला दर्ज। पुलिस सूत्रों के अनुसार घर से मिली है 500 सीडी। पुलिस के अनुसार 1000 सीडी का मिला था ऑर्डर। सीडी बनाने वाले से मिला था विनोद वर्मा का पता, और वहां पर उस व्यक्ति ने बड़ा क्लियरली बताया कि मेरे यहाँ इंटरनेट है वो इस तरह का है कि वो आईटी एक्ट का धारा 67 अट्रैक्ट करता है। लेकिन सीडी आईजी ने बताया विनोद वर्मा ने प्रकाश बजाज को फोन किया था, अभी ये कंफर्म नहीं, मामले की चल रही है जांच। पुलिस के अनुसार एक दिन पहले दर्ज हुई थी एफआईआर, आईटी एक्ट के तहत भी बनता है मामला। सीडी का जो कंटेंट है वो इस तरह का है कि वो आईटी एक्ट का धारा 67 अट्रैक्ट करता है। विनोद वर्मा ने दिया बयान, मेरे पास है एक और सीडी। विनोद वर्मा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य, पुलिस कार्रवाई का कांग्रेस ने किया विरोध। जम्मू पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी और वकील देवेंद्र सिंह बहल के खिलाफ केस दर्ज किया, देश विरोधी भाषण देने का आरोप। कश्मीर में वार्ताकार की नियुक्ति के बाद विकास कार्यों पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया फोकस, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, मुख्यमंत्री महबूबा भी मौजूद, सीमा पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने का भी खास प्लान। गृहमंत्री से मिलने के बाद महबूबा का बयान, कहा घाटी में हिंसा में आई कमी, सही दिशा में सरकार की नीतियां। बड़गांव में हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे के घर पर छापा, लैपटॉप हार्ड डिस्क 5 मोबाइल जब्त। घाटी में आतंकवादियों ने पोस्ट लगाकर दी चेतावनी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एनकाउंटर में शामिल न होने की हिदायत। जाकिर नायक पर एनआईए का शिकंजा, विशेष अदालत में एनआईए ने दाखिल कर दी चार्जशीट, 65 पन्नों की चार्जशीट में जाकिर के जुर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा, 1000 पन्नों के दस्तावेजी सबूत, 85 गवाहों के बयान। एनआईए के आरोप पत्र में जाकिर नायक को नापने की तैयारी, देशद्रोह, मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण, आतंकवाद को बढ़ावा देने के केस। एनआईए की जांच में जाकिर नायक के आतंकवादियों से रिश्तों के सबूत मिले, चार्जशीट में नायक पर वित्तीय मदद करने, काले धन को सफेद करने का भी आरोप। जुर्मों का खुलासा होने के बाद से ही देश से फरार है जाकिर नायक, जुलाई 2016 के बाद से भारत नहीं आया नफरत फैलाने वाला जाकिर। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 से बढ़ाकर 26 की, विधानसभा में बिल हुआ पास। वसुंधरा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर विधानसभा में पारित कराया बिल, अदालत ने बिल टेबल होने पर मानहानि का दिया था नोटिस। वसुंधरा सरकार ने एक और बिल को गुपचुप ढंग से पास करवा लिया, विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए संसदीय सचिव को लाभ के पद से बाहर करने के लिए बिल पास। आज से 2 दिन के केरल दौरे पर राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में टेक्नोसिटी का करेंगे शिलान्यास, केरल हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का दोबारा ऑड इवन लागू करने पर विचार, अफसरों को लिखा पत्र। शादी करने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर फंसे राहुल, बॉक्सर विजेंदर को दिया जवाब, किस्मत में विश्वास करता हूं, जब होनी होगी हो जाएगी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं पर प्लीज उसका जवाब तो दे दीजिए प्लीज। सर सब लोग उसका वेट ही कर रहे हैं तब से लेके, हम भी सब लोग। मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूं, जब होगी होगी। दिल्ली में एक समारोह में विजेंदर ने राहुल से पूछा कब करेंगे शादी, कब बनेंगे प्रधानमंत्री। विजेंदर के सवाल पूछते ही गूंज उठे ठहाके, सवाल सुनकर सकपका गए राहुल। राहुल ने खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में बताया, कहा मैं एक्सरसाइज करता हूं, स्विमिंग करता हूं, साइकिलिंग करता हूं, दौड़ता हूं। यूपी के संबल में कल के महोत्सव के दौरान राधे मां का गुस्सा भड़का, पत्रकारों पर भड़क पड़ी। राधे मां ने पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी, मंच पर मौजूद थे कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम। मां हूं मैं,
गुस्से में राधा मां ने कहा, मैं संत नहीं सिर्फ मां हूं, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत को मिल रही है वीआईपी सुविधा, कार लेकर सीधा जेल परिसर में दाखिल हुआ परिवार। बंदी के परिजनों को जेल परिसर में कार ले जाकर नहीं अनुमति, लेकिन हनीप्रीत का परिवार कार से गया। जेल मिलने पहुंचे थे चार बैग लेकर परिवार वाले, भाई भाभी जीजा बहन सभी। हत्या के दो मामलों में आज राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की अक्टूबर 2002 में हुई थी हत्या, अखबार में छापी थी साध्वी की चिट्ठी। फतेहपुर सीकरी में स्विस जोड़े से मारपीट के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, सेल्फी लेने से मना करने पर पीटा। स्विस जोड़ों पर पत्थर डंडों से किया गया हमला, सड़क पर खून से लथपथ मिले थे दोनों पर्यटक। स्विस जोड़े से मारपीट की घटना पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताई चिंता, योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने भी यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा ऐसी घटनाओं से देश की छवि होती है खराब। स्विस जोड़े पर हमले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, पूछा योगी की एंटी रोमियो टीम कहां है। गुजरात के दाहोद में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने कर दिया हमला, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने फेंके ग्रेनेड, हमले में 2 पुलिस वाले समेत 3 घायल। बिहार के खगड़िया में छठ पर दर्दनाक हादसा, गुब्बारे में हवा भरने के दौरान सिलेंडर में धमाका, 1 बच्चे समेत 2 की मौत। हादसे में 8 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 की स्थिति गंभीर। कानपुर में पूर्व मेयर अनिल शर्मा की कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में शख्स के शर्ट की जेब में रखा मोबाइल फटा। इलाहाबाद में एक मॉल में महंगे पानी की बिक्री पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जंग कर हंगामा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 2 सगे भाइयों की मौत, 1 बुरी तरह से घायल। मुंबई के मानखुर्द में एमएनएस कार्यकर्ताओं की होंडागर्दी, रेलवे स्टेशन के बाहर फेरी वालों को पीटा। हरियाणा के रोहतक में डीजल से भरा टैंकर पलटा, लूटने की मची होड़। बिहार के हाजीपुर में पुलिस का अनोखा कारनामा, लोगों की शिकायत कागजों पर लिखने के बजाय हाथों पर लिखी। पंजाब के खेतों में पराली जलाने वालों पर अमेरिकी सैटेलाइट से रखी जा रही है नजर, रिपोर्ट के आधार पर किसानों पर जुर्माना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खुद से सड़क निर्माण में जुटे ग्रामीण, राज्य सरकार ने नहीं ली कोई सुध। यूपी के उन्नाव में बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, बाइक सवार बुरी तरह से घायल। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बक्सर में महिला के लिए सीट खाली कराने पर पुलिसकर्मी को आया गुस्सा, साथियों के संग ड्राइवर कंडक्टर को पीटा। मुंबई से सटे कल्याण में झारखंड से आई नाबालिग नौकरानी पर मालिक मालकिन का जुल्म, बेरहमी से की पिटाई। हैदराबाद में कार में जा रही महिला का बीच सड़क हंगामा। कोलकाता में स्कूल टीचर पर 11वीं की छात्रा से रेप का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। यूपी के अमरोहा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 20 तमंचे के साथ 2 लोग पकड़े गए। यूपी के देवरिया में मामूली कहासुनी पर ग्राहक ने हलवाई को खोलते हुए तेल में धकेल दिया, बुरी तरह से घायल। मानपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 1 विदेशी यात्री की मौत, 30 से ज्यादा घायल। दिल्ली के उस्मानपुर में अगवा बच्ची यूपी के फिरोजाबाद से बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। गुरुग्राम में सुरक्षा मानकों को लेकर 135 निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई, रयान स्कूल की एक ब्रांच भी शामिल। सभी स्कूलों को सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र देने के लिए 15 दिन का मिला था समय, जवाब नहीं मिलने पर कमिश्नर ने दिए कार्रवाई के आदेश। पंजाब के फिरोजपुर में डेंगू का आतंक, अब तक 286 मरीज डेंगू की चपेट में। सफारी का मजा लेने रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंची प्रियंका वाड्रा, दोनों बच्चे और दोस्त उनके साथ। कोलकाता के चिड़ियाघर में आए नए मेहमान, जापान से लाए गए 4 कंगारू।
सोशल मीडिया पर ट्रोल शाहरुख की बेटी सुहाना मां गौरी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी तस्वीर। निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ आमिर के घर देखे गए रणवीर। राकेश शर्मा की बायोपिक सैल्यूट में काम करने की चर्चा। अभिनेता अर्जुन कपूर इंडियन सुपर लीग के पुणे फुटबॉल क्लब के बने को ओनर। अर्जुन को फुटबॉल से लगाओ। चार दिन से चल रहे महापर्व छठ का समापन। पटना से लेकर दिल्ली तक श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। पटना में गांधी घाट पर भक्तों का मेला। हजारों की तादाद में सूर्य को दिया गया अर्घ्य। पटना में लालू के घर भी मना छठ। राबड़ी देवी ने छोटे तालाब में उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। वाराणसी में तुलसी घाट पर श्रद्धालुओं का तांता। छठ व्रतियों ने अर्घ्य देकर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुंबई में व्रतियों ने जुहू बीच पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली में व्रतियों ने यमुना किनारे सूर्य को दिया अर्घ्य। भक्तों में भारी उत्साह। दिल्ली में सोनिया विहार कालंदी कुंज में यमुना किनारे रात से ही जुटने लगी थी भक्तों की भीड़। तिल रखने की जगह नहीं। दिल्ली के नरेला में छठ पूजा पर रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में धूमधाम से मना छठ का त्यौहार। भक्तों की भीड़। बिहार का छठ देखने विदेश से भी आए लोग। गया में जापान के लोग घाट किनारे पहुंचे। थाईलैंड के राजा का अंतिम संस्कार एक साल पहले हुआ था निधन। करीब 5 दिनों तक चली प्रक्रिया। 600 करोड़ का आया बजट। खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना